गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अंग्रेजी सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का सारांश अध्ययन किया था। आज आइए हम लोग लाइन वाइज लाइन और अर्थ का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, वेन यू वॉन्ट टू रीड एट नाइट You simply press a switch and the electric lamp give you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. My dear student, in this lesson, we will read a great personality who has given much laughter and much light to the whole world, whose name was Mr. Thomas Alva Edison. A great American scientist. Common topic, let us start with Hindi. When you want to read, मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पढ़ना चाहते, when जब you आप want चाहते हैं to read पढ़ना, जब आप पढ़ना चाहते हैं at night कब रात में, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं यू तुम सिंपली आराम से प्रेस माने दबा देते हो, क्या कर देते हो, प्रेस कर देते हो, दबा देते हो ए स्विच, एक बटन एंड इलेक्ट्रिक लैंप और विद्युत का बल्ब गिव्स माने देता है, यू माने आपको लाइट माने प्रकाश, और जो विद्युत का बल्ब है वो आपको उजाला देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। रात के समय जब आप पढ़ना चाहते हैं तो चुपके से एक विद्युत की स्विच को ऑन कर देते हो, दबा देते हो, और विद्युत का बल्ब बेचारा आपको उजाला देने के लिए मजबूर हो जाता है, और उस उजाले में का लुत्फ उठाते हुए आप अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, वो कौन इन्वेंटेड, आविष्कार किया था द इलेक्ट्रिक लैम्प, इस विद्युत के बल्ब का जो आपको उजाला देता है, जो आपको प्रकाश देता है, उस विद्युत के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, क्या आप जानते हैं, इट इज द क्वेश्चन, डू यू नो द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन यू द इलेक्ट्रिक लाइट। वेरी सिंपल एंड फेमस पर्सनालिटी ही वाज, वा था इन अमेरिकन, अमेरिका का रहने वाला, नेम्ड उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या नाम था भाई, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन who has given you electric lamp by which you can read at night, you can get enough light। आइए हम आगे की कहानी को पढ़ते हैं जो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से संबंधित है। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, बचपन से ही बड़ा कुशल बालक था।
क्योंकि इवन हर तरह से इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में एडिसन लव्ड माने प्यार करता था, टू डू माने करने के लिए, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, प्रयोग करना उसकी हॉबी थी, प्रयोग करना उसकी आदत थी, प्रयोग करना उसकी दीवानगी थी, प्रयोग करने के पीछे वो फिदा था। इट वॉज द हैबिट ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन की ये आदत थी कि वो अपने बचपन से ही प्रयोग करना पसंद करता था, उसकी चाहत थी, उसकी हॉबी थी। ही वॉज फाउंड, ही माने वह अर्थात एडिसन वॉज था फाउंड माने शौकीन, फाउंड ऑफ सॉरी शौकीन, आस्किंग माने पूछने का, क्वेश्चन माने प्रश्न, बेटा वो प्रश्न पूछने का शौकीन था। सबकी शौक अलग अलग होती है, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की शौक कुछ ही और थी, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी संतुष्ट नहीं होता था टिल जब तक कि नहीं ही गॉट वह प्राप्त कर लेता था द राइट सही आंसर जवाब, जब तक कि वह सही जवाब नहीं प्राप्त कर लेता था तब तक उसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी, तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था, जब तक कि उसे उसके प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की। एंड और हियर, यहां पर एट द प्रेजेंट ऑफ यू आर है ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ कहानियां। मेरे प्यारे बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से संबंधित कुछ कहानियां आपके सामने रखी गई हैं, जिसको आप पढ़ेंगे और एडिसन के बचपन के बारे में जान पाएंगे। आइए देखते हैं पहली कहानी। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन विद्यालय में था अर्थात पढ़ने के लिए गया था, हुआ क्या भाई, द टीचर, शिक्षिका महोदया वाज टेलिंग, सुना रही थी द चिल्ड्रन, बच्चों को ए स्टोरी, एक कहानी अबाउट बर्ड, चिड़ियों के बारे में। शिक्षिका महोदया बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। जब एडिसन पढ़ने के लिए अपने विद्यालय में गया था, उसकी शिक्षिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। एंड तो हुआ क्या, He got up, he माने वार था, एडिसन got up माने खड़ा हो गया, एडिसन खड़ा हो गया and asked, और पूछा the teacher, शिक्षिका महोदया से, एडिसन खड़ा हुआ और शिक्षिका महोदया से पूछा, मैडम why can't man fly like a bird, खड़ा हुआ और पूछा, मैडम जी आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। हियरिंग द स्टोरी ऑफ द टीचर्स, एन आइडिया केम इन टू द माइंड ऑफ एडिसन, व्हाई ए मैन कैन नॉट फ्लाई लाइक ए बर्ड इन टू द स्पेस, सो ही स्टूड एंड आस्क द टीचर, मैम वाई कैंट ए मैन फ्लाई लाइक बर्ड, खड़ा हुआ और पूछा कि मैडम आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। हियरिंग आफ्टर रिप्लाइड द टीचर, मैडम ने जवाब दिया, रिप्लाइड माने जवाब दिया, द टीचर माने शिक्षिका, शिक्षिका महोदया ने जवाब देते हुए कहा, बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, क्योंकि मानव के पास पंख नहीं है, क्योंकि मानव के पास पंख नहीं है,
मानव के पास पंख नहीं है कि वो अपने पंख को हिला करके क्या करे, उड़ जाए। इट वॉज द रिप्लाई ऑफ द टीचर दैट मैन हैव नो विंग्स। मानव के पास पंख नहीं है, और जब मानव के पास पंख नहीं तो उड़ कैसे सकता है। द यंग बॉय, छोटा लड़का, थॉट सोचा। द यंग बॉय थॉट, सोचा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण। एंड आस्क्ड हर अगेन, आस्क्ड माने पूछा, हर माने उससे अर्थात मैडम जी से, अगेन माने पुनः, और पुनः मैडम जी से पूछ पड़ा। पुनः मैडम जी से पूछ पड़ा, बट काइट हैव्स नो विंग, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बट काइट हैव्स नो विंग, मैडम जी पतंग मैया के पास तो पंख नहीं है। एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई, हम उड़ा सकते हैं, देम माने उन्हें अर्थात पतंगों को, इन द स्काई, आसमान में, फिर भी हम पतंगों को आसमान में उड़ा सकते हैं। आफ्टर थिंकिंग फॉर ए मोमेंट, इट्सन स्टूड अगेन टू आस्क, मैम द काइट्स हैव नो विंग्स, पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं। स्टिल वी कैन फ्लाई, फिर भी हम उड़ा सकते हैं, देम मीन्स उन्हें अर्थात पतंगों को, इनटू द स्काई, आसमान में, मैडम जी पतंगों के पास पंख तो नहीं होते हैं। पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम इन्हें आसमान तक क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। देखो भाई, किधर है पंख इसके पास, कोई पंख नहीं है, फिर भी हमारे इशारे पर आसमान में उड़ती चली जाती है। ऑल द अदर बॉय लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हिज पेशेंस। ऑल माने सभी, द अदर माने अन्य बॉय, लड़के, लाफ्ड माने हंसने लगे। एडिशन का तार्किक क्वेश्चन सुनने के पश्चात सभी लड़के हंसने लगे। एंड द टीचर, और शिक्षिका महोदया ने लास्ट खो दिया, हर अपना पेशेंस, धैर्य। मैडम बौखला गई, स्टार्टेड टू मूव इधर हार्ड दीदर, ऑल हिज माइंड स्टार्टेड टू मूव अप एंड डाउन इधर हार्ड दीदर एवरी राउंड। पैसेंस त्याग कर दिया, सी थॉट, उन्होंने सोचा। द बॉय, लड़का, वाज था स्टूपिड, मूर्ख। मैडम ने सोचा कि लड़का मूर्ख था, एंड नाटी और शरारती। कैसा लड़का है, मैडम ने सोचा लड़का मूर्ख है, बहुत शरारती है, तभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पूरे क्लास में बैठे हुए बच्चे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, यही एक क्यों ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब है कि शरारत इसके अंदर कूट कूट करके भरी है। सी आस्क, सी माने वार, अर्थात शिक्षिका महोदय ने आस्क माने बुलाया हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता को। टू टेक माने ले जाने के लिए, हिम माने उसे, आउट माने बाहर, आप स्कूल माने विद्यालय से। शिक्षिका महोदय ने एडिशन के मम्मी पापा को, एडिशन को विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए बुलवाया। एडिशन के मम्मी पापा, आओ और बच्चों को ले जाओ, बड़ा मूर्ख है, शरारत करना तो इसकी आदत है, इसलिए मैडम ने बुलवा लिया है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टुक ले गए हिम माने उसे, होम माने घर, उसके माता पिता, एडिशन के माता पिता एडिशन को घर ले गए। बट किंतु, दे माने वे, अर्थात माता पिता, न्यू माने जानते थे, दैट की ही वाज, वा था, नॉट माने ए स्टूपिड बॉय, स्टूपिड माने मूर्ख, बॉय लड़का,
मम्मी पापा को अच्छी तरीके से पता था कि उसका बेटा थॉमस एल्वा एडिसन मूर्ख नहीं है, शार्प माइंड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मूर्ख नहीं है। इस बात का तथ्य, इस तथ्य को मम्मी पापा जानते थे। एडिसन वाज जस्ट 8 years old, एडिसन वाज मींस था जस्ट माने ठीक, 8 years, 8 वर्ष का, 8 years old, 8 वर्ष का, व्हेन जब दिस माने या हैपेंड माने घटित हुआ, जब ये घटना घटित हुई, आपका एडिसन केवल 8 वर्ष का था, ज्यादा नहीं था, 8 वर्ष का आपका एडिसन था जब ये घटना घटित हुई। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। एडिसन, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, घर तो चलाया, वह छोटा एडिसन फाउंड माने पाया इन हिज मदर, अपनी मां के अंदर हिज बेस्ट टीचर, अपने सबसे अच्छे शिक्षक के गुण। यंग एडिसन ने पाया कि मम्मी में किसी भी शिक्षक से ज्यादा अच्छे गुण थे, मम्मी खूब संतुष्ट करती थी। यंग एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया इन हिज मदर, अपनी मां में हिज अपने बेस्ट माने सबसे अच्छे टीचर माने शिक्षक, अपने सबसे अच्छे शिक्षक के गुणों को पाया। सो इसलिए सी वाज पेशेंस इनफ, सी माने वा अर्थात मम्मी, वाज थी पेशेंस माने धैर्यवान, इनफ माने पर्याप्त, माँ बहुत ही धैर्यवान थी, धैर्य का सागर थी, वो उगताती नहीं थी, थकती नहीं थी, झल्लाती नहीं थी, सी वाज इनफ फुल ऑफ पेशेंस। टू आंसर माने जवाब देने के लिए, आल माने सभी, हिज माने उसके, क्वेश्चन माने प्रश्नों का, उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए माँ बहुत ही धैर्यवान थी, उसके अंदर धैर्य कुट कुट करके भरा था, अपने बच्चे के प्रश्न का जवाब देने के लिए मम्मी बहुत ही धैर्यवान थी। एंड और विद हर हेल्प, अपनी सहायता के द्वारा, सॉरी विद हर हेल्प, उसकी सहायता के द्वारा, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन के द्वारा, माँ की सहायता और माँ के मार्गदर्शन के द्वारा ही माने वा अर्थात एडिसन मेड माने किया गुड माने अच्छा प्रोग्रेस माने उन्नति, एडिसन ने बहुत अच्छी उन्नति किया। माताजी ने एडिसन को जो भी गाइडेंस दिया, जो भी हेल्प किया, परिणाम ये था कि एडिसन ने अच्छी उन्नति की, गुड प्रोग्रेस किया, अच्छी उन्नति किया एडिसन। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, ही माने वा अर्थात एडिसन यूज्ड टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने निरीक्षण करना, बारीकी से देखना, वह निरीक्षण किया करता था थिंग्स माने वस्तुओं का, बेरी माने बहुत ही क्लोजली, नजदीक से, अच्छी तरीके से, वह वस्तुओं का बहुत ही अच्छी तरीके से निरीक्षण करता था, बहुत ही अच्छी तरीके से निरीक्षण करता था, खूब अच्छे ढंग से, खूब अच्छे ढंग से प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करता था। एंड और डू माने करता था, ए लॉट ऑफ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, और जीवन में वो बहुत सारे प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, सम माने कुछ, ऑफ हिज माने उसके अर्थात एडिशन के, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, बर मींस थे सिली माने मूर्खतापूर्ण, एडिशन के कुछ प्रयोग बड़े ही मूर्खतापूर्ण थे, बट लेकिन ही लर्न उसने सीखा अलॉट बहुत सारी चीजें फ्रॉम देम माने उनसे, उन अपने मूर्खतापूर्ण प्रयोगों से एडिसन ने बहुत सारी चीजें सीख ली। प्यारे बच्चों, एडिसन के जो प्रयोग थे वो भले ही मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उन सारे प्रयोगों से उसने सीखा, हर गलती पर जब वो गिरता था तो कुछ ना कुछ सीख लेता था कि कैसे उठना है और कैसे चलना है। जापान ले टॉपिक में बोतल हुई। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग बर्ड, ए बर्ड, वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ही माने वा अर्थात एडिसन
वाज वाचिंग, देख रहा था ए बर्ड एक चिड़िया को। एक सुबह की बात है कि प्यारा एडिशन एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, इट माने या अर्थात चिड़िया, फ्लू माने, फ्लू डाउन माने उतरी, टू द ग्राउंड माने जमीन पर, वह उड़ते हुए जमीन पर उतर आई, एंड और पिक्ड अप माने उठा लिया, ए फ्यू माने कुछ, वार्म माने कीड़े मकोड़े, इन इट्स माने अपनी, बीक माने चोच में, और अपनी चोच में कुछ कीड़े मकोड़े को उठा लिया, अपनी चोच में कुछ कीड़े मकोड़े को क्या किया, उठा लिया, एंड और फ्लू अवे, उड़ गए चोच में कुछ कीड़े मकोड़े उठाने के पश्चात वह उड़ गई। इस चिड़िया के इस क्रियाकलाप को एडिसन बड़े ही अच्छी तरीके से देख रहा था। एडिसन वाज ऑब्जर्विंग ऑफ दिस एक्टिविटीज ऑफ द बर्ड दैट इट्स फ्लू डाउन ऑन द ग्राउंड एंड पिक अप सम वर्म इनटू इट बीक एंड फ्लू अवे। दिस माने यह गिव दिया यंग एडिसन, छोटे एडिसन को एन आइडिया, एक विचार। प्यारे बच्चों, इससे यंग एडिसन को एक नया विचार आया, एक नया विचार आया, इससे एडिसन को एक नया विचार आया। कैसा विचार आया? एक नया नया विचार एडिसन को आया। क्या आया जरा देखिए, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म। एडिसन ने सोचा द बर्ड माने चिड़िया इज है एबल माने योग्य टू फ्लाई माने उड़ने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट माने आ अर्थात चिड़िया, ईट्स माने खाते हैं, वार्म माने कीड़े मकोड़े। एडिसन को ये विचार आ गया कि चिड़िया उड़ने के लिए योग्य होती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है, इसीलिए चिड़िया उड़ती है। और अगर हम लोग भी चिड़िया की तरह कीड़े मकोड़े खाएं तो हम लोग भी उड़ना शुरू कर देंगे। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वार्म, कंडीशन रख दिया। मैन आदमी कैन सकता है, आल्सो माने भी, फ्लाई माने उड़ना, आदमी भी उड़ सकता है इफ यदि, ही माने वाह, ईट्स माने खाएगा, वार्म माने कीड़े मकोड़े। अगर आदमी कीड़े मकोड़े खाएगा तो वह भी उड़ सकता है। इट वॉज द न्यू आइडिया टू यंग एडिसन आफ्टर सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द बर्ड। चिड़िया के क्रियाकलाप को देख करके एडिसन को ये विचार आ गया कि अगर आदमी भी कीड़े मकोड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही माने वार्ता एडिसन, सेड माने कहा, टू हिमसेल्फ माने स्वयं से, एडिसन ने स्वयं से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही माने वार्ता एडिसन, वांटेड माने चाहता था, टू ट्राई माने प्रयास करना, द एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग को, ऑन समवन माने किसी पर, वह किसी व्यक्ति पर इस प्रयोग को करना चाहता था कि किसी न किसी को कीड़े मकोड़े खिलाया जाए और खिलाने के पश्चात उसके परिणाम को देखा जाए कि वह उड़ता है या बैठ जाता है। ही वांटेड टू डू, वह करना चाहता था, दिस माने या, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, ऑन समवन, वह किसी व्यक्ति पर अपने इस प्रयोग को करना चाहता था, इसलिए ही कॉट होल्ड, उसने पकड़ लिए, ए फ्यू माने कुछ, वार्म माने कीड़े मकोड़े। प्यारे बच्चों, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ लिए। कुछ कीड़े मकोड़े क्या किया भाई, पकड़ लिया, एंड बीट माने पीट डाला, देम माने उन्हें, इनटू पल्प, पीट पीट कर कूच कूच कर क्या बना दिया, पल्प, चटनी बना डाला, खूब पूछा जब तक कि कीड़े मकोड़े के कचूमर नहीं निकल गए, बन गई चटनी, तैयार हो गई एडिशन की। ही माने वा, बीट माने पीटा, देम माने उन्हें, इनटू ए पल्प माने चटनी कर दिया,
एंड मिक्स माने मिला दिया, इट माने इसे इन वाटर माने पानी में, और कीड़े मकोड़े के इस पल्प को एडिसन ने क्या किया, पानी में मिला दिया। ए वंडरफुल मिक्सचर ही मेड विद वार्म एंड वाटर। कीड़े मकोड़े को कूट कूट करके पल्प बनाया और उसे एक आश्चर्यजनक घोल उसने तैयार कर लिया। He took the mixture, he माने वार था, Edison took माने ले गया, the mixture माने घोल को, Edison घोल को ले गया to a servant girl, एक नौकर की लड़की के पास। Edison उस घोल को एक नौकर की लड़की के पास ले गया and said और कहा to her उससे, और उससे कहा, क्या कहा, this is wonderful mixture, कहा बिट्टी बहुत ही आश्चर्यजनक घोल आज बना करके लाया हूं। दिस माने या इज है, ए वंडरफुल आश्चर्यजनक मिक्सचर माने घोल, या बहुत ही आश्चर्यजनक घोल है जो लेकर के मैं आया हूं। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लोगे, यू कैन फ्लाई, तुम उड़ने लगोगी, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया के समान। दीदी बहुत बढ़िया घोल बना के लाया हूं, अगर तुमने पी लिया तो आसमान की सैर करोगी, चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और देखो, आओ इस घोल को पियो और देखो कि तुम चिड़िया के समान कैसे उड़ती हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक पाठ मैं आपके सामने पढ़ाया, अगले लेक्चर में मैं इसके आगे का शेष भाग पढ़ाऊंगा। अगर आपके समझ में कुछ ना आए तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मैं अपने विद्यालय परिवार के साथ आपका सहयोग करता रहूंगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, आगे की क्रियाकलाप करिए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बाय बाय।